संसद में बिहार को लेकर दिए बयान पर पीयूष गोयल की सफाई सामने आई है। पीयूष गोयल ने कहा कि मैं अपने बयान को वापस लेता हूं। बिहार या बिहार के लोगों के अपमान का कोई इरादा नहीं था मेरा। किसी की भावना आहत हुई है तो मैं बयान वापस लेता हूं। आइए सुनवाते हैं आपको पीयूष गोयल का क्या कहना है। There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody at all. तो पीयूष गोयल को आपने सुना, उन्होंने सफाई दी। वहीं संसद परिसर में जेडीयू आरजेडी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गोयल से माफी की मांग की। पीयूष गोयल को के मन में बिहार के लोगों के लिए नफरत है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, ये भी तेजस्वी यादव ने कहा है। तो हम लोग तो पूरे पार्लियामेंट में जितने भी बिहार के लोग हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड के एमपी हों या आरजेडी के एमपी हों या और सहयोगी दल पार्टियों के एमपी जो हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों ने मांग की है भाई पीयूष गोयल को कम से कम जो है इस मसले में माफ़ी मांगनी चाहिए। तो पीयूष गोयल के बयान को लेकर लगातार सियासत इस वक्त चरम पर मौजूद है।